हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके हिंदी बुक व्याकरण मेघा का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 क्या है? शब्द और वाक्य। शब्द क्या है? जो कई वर्णों के मेल से बने। वाक्य क्या है? जो कई शब्दों के मेल से बने। ठीक है, पहले वर्ण आता है। वर्ण कई वर्णों को जोड़ दो तो शब्द बन जाएगा, कई शब्दों को जोड़ दो तो वाक्य बन जाएगा। तो बच्चों चलिए हम आगे पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलाकर शब्द बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। अगर कोई शब्द है तो उसका कुछ अर्थ जरूर होगा। ठीक है, शब्द मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ यानी कि मीनिंग जरूर होगा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो बच्चों, ये किसका चित्र है? छाता या फिर छतरी। छतरी, ये कौन है? हिरण। छतरी में देखो छ अ त अ र ई, छतरी। वैसे ही ह ई र अ न अ, हिरण। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या अभ्यास है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर वर्ण लिखे हैं जिन्हें हमें जोड़कर शब्द बनाना है। ग आ, गा। ज आ, ज। र आ, र, गाजर। वैसे ही म क डी, म क री। त ई, त अ ल ई, तितली। ती त ली, तितली। ठीक है बच्चों, इसे अपने किताब में लिखिए। तो बच्चों हमने शब्द पढ़ा। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम वाक्य में आएंगे। वाक्य किसे कहते हैं? मैंने क्या कहा था? शब्दों के मेल को। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। सार्थक यानी कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ हो। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। अगर अर्थ ही ना हो तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा अभ्यास है। वर्णों को सही क्रम में व्यवस्थित करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो कि उल्टे पुल्टे लिखे हैं, हमें उन्हें सजा कर लिखना है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है जब तक वो सही से सज ना जाए। रहे हैं जा हम सोने सब, हम सब सोने जा रहे हैं। विवेक पढ़ रहा है कमरे में, कमरे में विवेक पढ़ रहा है। कमरे में विवेक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। उसके बाद शहर का नाम है हमारे मेरठ। हमारे शहर का नाम मेरठ है। ठीक है बच्चों, लास्ट वाला, मैं जाऊंगा कल खेलना। यहाँ खेलना नहीं होगा, खेलने होगा। यह आ की मात्रा काट के ए की मात्रा लगा दीजिए। मैं कल खेलने जाऊंगा। मैं कल खेलने जाऊंगा। ठीक है बच्चों, इसको अपने किताब में लिखो, फिर इसे देखकर अपने कॉपी में लिखो। हम अगले क्लास में कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट्स। सी यू।